हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है जो अपने नियुक्ति क्षेत्र की बिजली विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। जूनियर इंजीनियर का काम अपने नियुक्ति क्षेत्र में बिजली से संबंधित कार्यों को संचालित करना होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर कैसे बने, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ग्रुप सी लेवल का पोस्ट होता है। लगभग सभी सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। बिजली विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट, PWD आदि सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है। बिजली विभाग के हर कार्यालय या सब डिवीज़न में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है। जूनियर इंजीनियर अपने नियुक्ति क्षेत्र में बिजली से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग में मुख्य अधिकारी होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं कक्षा पास करें, उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में करें, या फिर 12वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। बिजली विभाग जूनियर इंजीनियर की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर JEE की वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करती है। जब बिजली विभाग JEE रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। दोस्तों, बात करें बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों इसके लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए, और कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, बिजली विभाग में JEE बनने के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना कंपलसरी है। कैंडिडेट के पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में होना जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है। वहीं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर कैसे बने। दोस्तों, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आप 10वीं या 12वीं कक्षा पास करें, उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद बिजली विभाग जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। दोस्तों, बिजली विभाग JEE की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। जब बिजली विभाग JEE रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको रिटर्न एग्जाम पास करना होगा। रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सफल होने पर बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आपको नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली होती है, और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, सैलरी के अलावे इन्हें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता आदि अन्य भत्ते इन्हें दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर कैसे बने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।